सौसर विकासखंड में आने वाले सौसर एवं मोहखेड़ के अनेकों ग्राम पंचायत में जा जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र बांटे गए, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री नानाबाहू मोहड़ एवं जनपद अध्यक्ष संजय भूते द्वारा सौसर की ग्राम पंचायत में लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र बांटे गए। इसको लेकर मोहड़ ने महिलाओं से कहा कि किसी के बहकावे में न आए और अपनी पर्सनल जानकारी न किसी को दे। इस दौरान पारट सिंगा के सरपंच भोजराज धोतके, सतनूर सरपंच गजानन उइके, खैरी तायगांव सरपंच चंद्रशेखर कहाते इन सबकी उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ, जिसमें ग्राम पंचायत पारट सिंगा, खैरी तायगांव, सतनूर, मोहखेड़ एवं सौसर में लाडली बहना योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्रों का बहनों को वितरण ढोल नगाड़ों व हर्षोल्लास के साथ गुरुवार से प्रारंभ किया गया। पूरे सप्ताह स्वीकृति पत्रों का वितरण घर घर जाकर किया जाएगा। योजना के प्रारंभ अवसर पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राहुल मोहन, भाजपा नेता विपिन कराड़े तथा अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा बहनों को ग्राम पंचायत खुना, झिरकला, शिकारपुर, अर्जुनवाड़ी, लिंगा, बड़गोना जोशी, सिल्लेवानी में पहुंचकर खुशी के साथ स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। भाजपा जिला उपाध्यक्ष राहुल मोहन ने स्वीकृति पत्रों के वितरण के साथ साथ योजना के संबंध में बहनों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस अभिनव योजना को बहनों के जीवन में सामाजिक क्रांति का वाहक बताया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष राहुल मोहन ने कहा कि हमारी बहनें आत्मविश्वास से भरी रहे और आत्मसम्मान के साथ जिए, इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना का क्रियान्वयन किया गया है। यह योजना न सिर्फ बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बनेगी, बल्कि उनके जीवन में सामाजिक क्रांति का वाहक भी सिद्ध होगी। बहनों को बताया कि इस योजना से उनके खाते में प्रति माह 1,000 रुपये और वर्ष में 12,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। 10 जून से खाते में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। मोहन ने बताया कि हम सभी मिलकर बहनों तक स्वीकृति पत्र पहुंचा रहे हैं, ताकि बहनों को दफ्तर के चक्कर न लगाना पड़े और उन्हें परेशान न होना पड़े। सौसर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए राजू शिंदे की यह रिपोर्ट। रुपया हमारे सौसर में 180 का कन्या विवाह हुए थे, तो ये 1 रुपया नहीं दिया। आखिर शिवराज जी की सरकार रही तब सबको शादी के पैसे मिले। ये अपना झूठा बोलकर सबको गुमराह करते। उनकी योजना थी, एक ही योजना थी, क्या नाम उसका, नया सवेरा। मुझे हम लोगों ने नया सवेरा कभी देखा नहीं सोलामा, और सौसर पांडुना में कभी उनकी कमलनाथ जी की इच्छा नहीं होती कि इनको कुछ फंड दे, कोई एक आधा रोड बनाए। आपको अगर शिक्षित है ये गांव, जागरूक भी माना जाता है इस क्षेत्र को, उनको एक आधा आपका ये सरपंच भाई थे पूर्व में, वो खुद मेरी को बोलते थे बेचारी यहाँ के सरपंच भाई, भाऊ बोले आपने पहले सरकार में मेरे को वो अच्छे पैसे दिए, पर यह सरकार आई तो 1 भी रुपया मेरे को दिया नहीं। सरपंच महोदय कांग्रेस की यहाँ की मेरे को बोल, आपने मेरे को अच्छा सहयोग दिया बोले, पर इन लोगों ने मेरे को कुछ दिया नहीं बोले। आने के बाद उनका कुछ नहीं, झूठ बोलो और पेट भरो, कुछ नहीं उनका। आप ये बताइए, एक कन्यादान के पैसे क्यों नहीं देना है? पैसा नहीं था तो नहीं बोलना चाहिए, हमारा कहना ये है। तो दो अभी बताओ, इनकी सरकार भी नहीं। बहन को मैं 1,000 दे दूंगा तो बहन भाई के लिए एक आधा ड्रेस तो ले जाएगी बेचारी, 1,000 रुपये बेचारी मजदूरी करके कहाँ से पैसा लाएगी? तभी तो अमीर लोग नहीं रहे। ये सोच देखो, 12 माह के 12,000 रुपये आपको मिलने के बाद एक सहयोग तो हुआ ना सरकार का, हुआ क्या नहीं हुआ? फर्स्ट बोलो नहीं हुआ। और उसमें ऐसा करना चाहिए, कभी भी बजट बनता है तो ये अपने तक नहीं आता, वो बात देती नहीं थी, पर सरकारें भी ध्यान नहीं देती थी। दुख को दर्द को समझ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने आपके लिए एक लाडली बहना, जो महिला बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर उसे बचा के रखती है, उस महिला के खाते में आज हमारे माननीय शिवराज जी चौहान द्वारा लाडली बहना का लाभ देकर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया है। पेट भर उनकी कोई भावना अच्छी नहीं,
न किसी का अच्छा तो चाहते भी नहीं है। मैं चाहता हूँ या संख्या महिला की अच्छी दिखी। आप हमारे यहाँ की जो आंगनवाड़ी की महिला होगी और हमारी समूह महिला समूह होगा, बहुत समूह है बोलते, तो महिला समूह के लिए मैं 5 लाख का एक भवन उनको काम करने के लिए फोन मैं यथाशीघ्र किसी राज्यसभा सदस्य के या किसी मंत्री में करवा दूँगा।